जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 गणित प्रारंभ करेंगे और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1। पार्ट 1 का नाम है ज्यामिति। तो जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ आकृतियाँ बनाई गई और इसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं हमें बताना है। सबसे पहला प्रश्न है, पेंसिल और तीर सीधा या घुमावदार? तो आप आकृति में देख सकते हो कि वह सीधा है, तो जिसे मैं गोल कर रहा हूँ उसको आपको यहाँ लिख देना है। तो मैंने किस पर गोल किया? सीधा को। तो आप यहाँ खाली स्थान में सीधा भरिए। सिक्का और बिंदी का किनारा सीधा है या घुमावदार है? तो वह किनारा कैसा है? घुमावदार। तो घुमावदार को यहाँ पर आप भर दीजिए। लड़की द्वारा पकड़ी गई रस्सी सीधी है या मुड़ी हुई? तो यह मुड़ी हुई है, तो मुड़ी हुई को यहाँ लिखिए। लड़के के हाथ में लोहे की छड़ सीधी है या मुड़ी हुई? तो चलिए देखते हैं, लड़के के हाथ में जो छड़ है वो सीधी है या मुड़ी हुई। तो देखिए, ये जो छड़ है वो सीधी है, तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा? इसे लिखिएगा सीधी। क्या लिखिएगा बच्चा? सीधी है। सांप और रस्सी सीधी है या मुड़ी हुई? तो ये तो मुड़ी हुई है, तो लिखेंगे मुड़ी हुई। सीढ़ी सीधी है या मुड़ी हुई? तो सीढ़ी तो सीधा है, लिखेंगे सीधी। किताब का किनारा कैसा है? तो ये भी सीधा है, तो देखिए यहाँ पे इसे लिख दीजिए। अगला में यहाँ पे दिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप हैं। आप इसे कागज़ से बना करके मोड़ करके नाव बना सकते हो। तो आपने नाव तो बनाया होगा, कितने बच्चों को कागज़ से नाव बनाने आता है? तो देखिए यहाँ पे बिंदु की ग्रिड आकृतियाँ हैं। आप यहाँ पे कई सारी आकृतियाँ बिंदुओं से जोड़ जोड़ के बना सकते हो, तो ये तो आप बना लीजिएगा आराम से, ठीक है। अगला यहाँ पे है बच्चा, जंगल के जानवरों ने नारा लिखी तख्तियाँ हाथ में लेकर जागरूकता रैली निकाली। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाथी है ना, हिरन है, जिराफ है, भालू है, सांप है और यहाँ पे बंदर है। तो यहाँ पे लिख रखा है कि इस आकृति में भुजा क्या है, शीर्ष क्या है और किनारे क्या हैं, इसके कोने क्या हैं और इनकी संख्या कितनी है। सबसे पहले आप समझिए बच्चे कि भुजा क्या होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं इसे मोटा थोड़ा सा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है वो भुजा है। तो देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 भुजा है। शीर्ष का मतलब होता है यहाँ पे जहाँ पे दो भुजाएं मिलती है, जहाँ पे दो भुजाएं मिलती है उसे क्या बोलते हैं? शीर्ष। तो देखिए 1 2 3 4, 4 भुजा, 4 शीर्ष और कोना, ये कोना हुआ 4, इसमें तीनों 4 हैं। आकृति का नाम वृत्त। वृत्त में वक्र भुजाओं की संख्या 0, शीर्षों की संख्या 0, ठीक है। अगला है, आकृति का नाम त्रिभुज। भुजाओं की संख्या 3 है, शीर्षों की संख्या 3 है, कोणों की संख्या 3 है। वर्ग में भुजा की संख्या 4, शीर्षों की संख्या 4 और कोणों की संख्या 4 है। देखिए इसमें है, आकृतियों में रंग भरिए। त्रिभुज में पीला रंग, वर्ग में लाल, आयत में हरा और वृत्त में नीला। काफ़ी आसान है, आपको यहाँ पे जो त्रिभुज है उसमें पीला भरना है। देखिए मैं एक भर के आपको दिखा देता हूँ, उसी प्रकार से आप भर लीजिएगा। और जिस प्रकार मैंने त्रिभुज में पीला रंग भरा, इस प्रकार की आकृति यहाँ पर भी है, तो इसमें भी पीला भर दीजिए, इसमें भी पीला भरिए। और यहाँ पे है वर्ग में लाल, तो सबसे पहले लाल रंग ले लीजिए वर्ग, तो इसमें लाल भरिए और यहाँ पर जो है इसमें लाल भर दीजिए। अगला है यहाँ पर आयत में हरा, तो हरा रंग लीजिए और आयत में भरना है, यानी इसमें हरा भरिए, इसमें हरा भरिए। उसके बाद है यहाँ पे बच्चा, मैं और अच्छे से कर देता हूँ कि इसमें आपको पीला भरना है, इसमें भी पीला भरना है और इसमें भी आपको हरा भरना है, क्योंकि ये भी आयत है। बात करें यहाँ पे वृत्त, तो वृत्त में नीला रंग भरना है, तो इसमें नीला भरिए, इसमें नीला भरिए, इसमें नीला भरिए और इसमें नीला भर दीजिएगा अच्छी प्रकार से, ठीक है। इन आकृतियों से मेल खाती आसपास की वस्तुओं के नाम लिखिए कि कौन कौन सी वस्तुएं त्रिभुज के आकार की होती है, कौन कौन सी वस्तुएं यहाँ पे वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार होती है। तो त्रिभुजकार यहाँ पे आप लिख सकते हो समोसा, एक मैं लिख दे रहा हूँ, एक आप अपने से लिखिएगा। यहाँ पे वर्गाकार बक्सा हो सकता है, ठीक है, आयताकार भी बक्सा हो सकता है और यहाँ पे वृत्ताकार गेंद हो सकता है,
एक आप इधर अपने से भी लिख लीजिएगा। इसमें देखिए जो त्रिभुज है उसमें गुलाबी, तो ये आप अपने से भी कर सकते हो। वृत्त में लाल, वर्ग में पीला, त्रिभुज में नीला और आयत में हरा भरना है। इस प्रकार से इस आकृतियों को आपको रंग बिरंगा कर लेना है बच्चा, भर भर के। ओके चलिए, तो यहाँ पे आकृति के पहचान कर उनकी संख्या लिखनी है। त्रिभुज, इसमें कितने त्रिभुज हैं गिनिए। तो देखिए सबसे पहले अंदर की तरफ से गिनते हैं, अंदर की तरफ से इसमें हम गिन लेते हैं। तो देखिए अंदर में एक, फिर यहाँ पे दो, तीन, चार और एक बड़ा सा पाँच, इसमें पाँच हैं। कितने हैं बच्चा? पाँच त्रिभुज हैं। इसमें वर्ग कितने हैं? तो यहाँ पर पाँच बन रहा है और यहाँ पर भी पाँच बन रहा है, तो इसमें दस हैं। इसमें आयत कितने हैं? तो एक, दो, तीन, तीन तो ऐसे दिख रहे हैं, इसमें चार, पाँच, छः, सात, सात हैं इसमें आयत। इसमें वृत्त कितने हैं? तो एक तो यहाँ बीच में है, दो, तीन, चार, पाँच, कितने हैं? पाँच, ऐसे आपको कर लेना है। तो बच्चा यही था पार्ट, इसी के साथ हमारा पार्ट एक समाप्त हुआ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।